हाय दोस्तों, मैं आज बिठनपुरा से कलब रोड स्थित में हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि मुजफ्फरपुर में आप शाम का मज़ा ले सकते हैं, चाय का, बर्गर का, पैटीज का, डिफरेंट काइंड ऑफ सीन। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि मुजफ्फरपुर में कहीं पे बैठने की जगह नहीं है या कुछ, तो आप इस जगह पे आ करके आप इसका मज़ा ले सकते हैं। जैसा कि मैं आपको ले जा रहा हूँ अभी यहाँ पे स्ट्रीट में, देख रहे होंगे काफ़ी स्ट्रीट फूड यहाँ पे अवेलेबल है, तरह तरह की मैगीज है, वो है, आप इस चीज़ का मज़ा ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये स्ट्रीट फूड का मज़ा लेने के लिए आपको एक बजटरी में आपका काम होता है और आप एक बजट में होते हैं। जैसा कि हमारे पास देख रहे होंगे कि इस तरह से भीड़ है और यहाँ पे लोग आ करके बैठे हुए हैं हमारे पास और इस तरह का स्ट्रीट फूड का मज़ा ले रहे हैं। अभी मैं आपको ले चल रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्ट्रीट फूड में आप देखेंगे कि खाने पीने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं और चाय का, किसी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का मज़ा लेते हैं। तो अभी अब मैं आपके पास से लाया हूँ एक ऐसे भाई के पास में जहाँ से आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट फूड का मज़ा लेने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रीट फूड है जहाँ चाय बनाया जा रहा है। और क्या नाम हुआ आपका? सागर कुमार है। जैसा कि यहाँ पे लोग चाय का इंजॉयमेंट लेते हैं, कम दामों में एक अच्छा चाय का, स्ट्रीट फूड का मज़ा, जैसे कि लोग बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता में लेते थे, अब लोग क्या करते हैं कि यहाँ मुजफ्फरपुर में लोग बैठने की जगह नहीं है, तो इस तरह से यहाँ पे इस रोड पे आप आ करके चाय का मज़ा ले सकते हैं। जैसा कि इस शॉप का नाम है, आप जानना चाहेंगे कि सागर फूड के नाम से है, तो सागर भाई बताएंगे कि ये किस तरह से आप चाय बनाते हैं। चाय हमारे व्यूअर्स को बताएंगे, मेरे पास कॉफी दो आइटम है जी, बनाने वाले हैं और कोई चिली पोटैटो, वेजिटेबल मैगी, ये सब रहेगा। आगे फ्रेंच फ्राई, कुछ आइटम बनाने वाले हैं। अच्छा ठीक है, तो ये आप किस तरह के, एक ही वैरायटी की चाय बनाते हैं? डिफरेंट पास एक कॉफी बेचते हैं और एक चाय। क्या प्राइस होता है इसका चाय का? एक छोटा वाला 15 और बड़ा वाला 25 और कॉफी का 20 होगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात लगी। तो आप स्पेशल सिर्फ चाय और बिस्किट का यहाँ पे मज़ा ले सकते हैं। अगर आपको अगर स्ट्रीट का मज़ा लेना है तो आप यहाँ आकर के आप ले सकते हैं सागर फूड में। इस तरह से इस रोड पे देख रहे होंगे काफ़ी भीड़ है इस टाइम, काफ़ी कस्टमर्स होते हैं छोटे स्ट्रीट के लिए। जैसे लोग क्या करते थे पहले कि एक स्ट्रीट पे आ करके मज़ा लेना चाहते थे, कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में होता है। तो आप अभी आप देखे नहीं है 99 है यहाँ पे और यहाँ पे आप आकर के आराम से किसी चीज़ का भी एंजॉयमेंट, छोटा मोटा चीज़ ले सकते हैं।